आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो 2 घंटे लेती है अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है तो किसी जगह पर पहुंचने में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अगर उसने जो है वो सेम डिस्टेंस कवर करना हो और अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चले तो वो कितने टाइम में उसे कवर करेगी, ठीक है ना। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो आदमी जल्दी पहुंचेगा तो इसका मतलब एक चीज बढ़ रही है और टाइम कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो यहां पर हम कनेक्ट करेंगे कि लेट द टाइम टेकिन बी एक्स आर्स, है ना, एक्स आर्स ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर टेबल अपनी यहां बना लेंगे। दो चीजों की बात हो रही है, एक स्पीड एक टाइम। स्पीड है अगर इसकी 60 किलोमीटर पर आर तो टाइम लग रहा है 2 घंटे। स्पीड हो जाती है अगर 80 किलोमीटर पर आर तो टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। उसके बाद 60 इंटू 2 अपॉन 80 इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 4 8 2 3 6 2 2 4। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3/2 आर्स। अब ये 3/2 आर्स आ गया, ठीक है। अब इसको जो है वो अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें या मिनट्स में कन्वर्ट ना करके इसको 3 कर दें और 2 कर दें, 2 1 2 कर दें और यहां 1 बचे, तो ये आ जाएगा 1/2 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट 1 आवर एंड 1.5 आवर आप ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि 3/2 को हमने डिवाइड कर लिया तो ये 1/2 आ गया। तो ये अगर 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलेगी तो 1.5 घंटे में पहुंचा देगी 1.5 आवर में, और अगर 60 से चल रही थी तो 2 घंटे में पहुंचा रही थी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।